अलास्का के एक बेहद सुंदर इलाके में कुदरत का एक मास अटैक बस शुरू होने ही वाला है। झरने के ऊपर एक मादा भालू अकेली बैठी है। उसका कोई साथी है तो बस उसकी बेहिसाब भूख। लेकिन वो ज्यादा देर अकेली नहीं रहेगी। भूख मिटाने के लिए पूरे जंगल से ग्रिजलीज यहाँ पर जमा हो रहे हैं। गर्मी बढ़ गई है और उनके हार्मोन्स में बदलाव होने लगा है। वो नदी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं और उनके मन में बस एक ही बात चल रही है, और अब उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। दिन की शुरुआत के साथ ही धरती के हर कोने में नई जंग शुरू हो जाती है। ढेर सारे जीव साथ रहकर कभी आसानी से बच पाते हैं, कभी कई जीवों का पेट भरते हैं, कभी ताकतवर जीव हारते हैं और कमजोर जीत जाते हैं। ये साथ मिलकर शिकार को घेर कर और एक दूसरे को बचाकर जिंदा रहने और जीने की कोशिश करते हैं। एक माँ और उसके भूखे बच्चे भी यहाँ खाना खाने आए हैं, लेकिन इसमें खतरा है। ये ताकतवर नर अक्सर बच्चों को मार डालते हैं। झरने के नीचे सैल्मन्स का एक झुंड है। ये झुंड बहाव से उल्टी दिशा में तैरते हुए कई किलोमीटर्स का सफर करके आए हैं। वो पूरी तरह बड़ी हो गई हैं और अब अपनी मजबूती का एक आखिरी नजारा दिखाने वाली हैं। वो अपनी जन्मभूमि पर वापस जाकर अंडे देंगी। लेकिन इस साल नदी में पानी कम है और वो गर्म भी है। कई मछलियां पहले ही गर्मी और थकान से दम तोड़ चुकी हैं और अब उन्हें सबसे बड़ी मुसीबत से निपटना है। भालुओं के पार जिंदा जाने के लिए सैल्मन्स को 2 मीटर की छलांग लगानी पड़ेगी। इसके लिए वो नीचे बनने वाली लहर के सहारे खुद को ऊपर उछालती हैं। शुरुआत में ज्यादा ऊंचा नहीं कूद पाती, उनकी ताकत खत्म हो रही है और अब उन्हें ऊंचा उड़ना होगा। लगातार कोशिश करते वो या तो ऊपर पहुंचती हैं या मारी जाती हैं। ये काम नामुमकिन लगता है। भालू सिर्फ फैट से भरे हुए ब्रेन्स, अंडों और स्किन को खाते हैं। यहाँ इतनी ज्यादा मछलियां हैं कि वो चुन चुन कर चीजें खा सकते हैं। हर भालू दिन भर में दर्जनों मछलियां खाता है। इस लगातार खाने की हरकत को हाइपरफेजिया कहते हैं। लेकिन ग्रिजलीज के बीच में आने के बावजूद कुछ मछलियां बच जाती हैं और वो आखिरकार अपने घर तक पहुंच ही जाती हैं।
ताकतवर एडल्ट्स के बीच में छोटे बच्चे मछलियां नहीं पकड़ पाए और खाली हाथ लौट आए। वो मछलियों के पीछे नदी के आगे के हिस्से में जाते हैं। एक माँ और उसके बच्चों के बीच बेहद अटूट और मजबूत रिश्ता होता है। माँ के साथ रहकर बच्चे खेलना, खाना और शिकार करना सीखते हैं। उन्हें एक शांत झील और धीमे तैरती हुई मछलियों की ही जरूरत है। गर्मियां खत्म होने तक सैल्मन्स के अंडों में से हजारों लाखों छोटी मछलियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन अब बड़ी सैल्मन्स मर जाएंगी। वो अब भी बच्चों की हिफाजत कर रही हैं, लेकिन वो अभी से सड़ने लगी हैं। मौत का इंतजार करती ये सैल्मन्स ज़ॉम्बी फिश कहलाती हैं। भालुओं के लिए इन्हें पकड़ना आसान होता है। गर्मियां खत्म होने तक हर एडल्ट भालू 2 टन से ज्यादा मछलियां खा लेता है, लेकिन उनकी भूख की भी एक हद होती है। यहाँ का इकोसिस्टम इन मरती हुई सैल्मन्स पर निर्भर रहता है। उनके शरीर के न्यूट्रिएंट्स से नदी की मिट्टी उपजाऊ बनती है और कई स्कैवेंजर्स का पेट भरता है। सर्दियों का वक्त आने तक ढेर सारी सैल्मन्स खाकर ये छोटे भालू इतना फैट जमा कर लेते हैं कि ये हाइबरनेट कर पाएं, ताकि अगले साल ये भी बड़े भालुओं के साथ झरने पर होने वाली दावत में शामिल हो सकें। शेरों के इस झुंड के लिए जिंदा रहना आसान नहीं होता। इस शेरनी और इसकी बहनों को पूरे झुंड और भूखे बच्चों का पेट भरने का इंतजाम करना है। शिकार की कोशिश 20% से भी कम बार कामयाब होती है। भले ही ये सवाना की रानी है, लेकिन इसके बच्चों के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। 5 में से 4 बच्चे बड़े होने से पहले मारे जाएंगे। इन्हें जिंदा रहने के लिए माहिर शिकारी बनना सीखना होगा। पास की झाड़ियों में कुछ नौजवान शेर एक बड़े शिकार पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने एक भैंसे को उसके झुंड से अलग कर लिया है। उसके पीछे के पैरों पर हमला करके शेर उसे नीचे गिराना चाहते हैं। लेकिन शेर गलत दुश्मन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भैंसे की खाल बहुत मोटी है, वो काफी देर तक थकते नहीं हैं और जिद्दी होने की वजह से हार भी नहीं मानते।
वो कई घंटों तक हमलावरों से मुकाबला करते रहते हैं। और अगर किसी शेर को उसके सींगों का वार लग गया तो वो मर भी सकता है। हर शिकार इन जवान शेरों के लिए एक सबक होता है, और आज इन्होंने सीखा कि शिकार अपनी काबिलियत के मुताबिक चुनना चाहिए। इस झुंड के शेर अभी भी भूखे हैं, और इस शेरनी को पता है कि ये ज़ेब्रास बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। यहाँ उन्हें आगाह करने के लिए जिराफ्स नहीं हैं। अपनी माँ को शिकार करते देख इन बच्चों ने आज एक जरूरी सबक सीखा है। आज ये झुंड भरपेट खाना खाएगा। अलास्का में जनवरी का वक्त है। औसत तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। जमीन बर्फ की मोटी चादर से ढकी है, लेकिन इतने मुश्किल हालातों में भी इस इलाके में बहुत सारे जानवर जिंदा रहते हैं, जिनमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े झुंड शामिल हैं। उनके पीछे शिकारी जानवर भी आते हैं। ये ग्रे वुल्फ यहाँ पर अमेरिका के बड़े शाकाहारी जीवों का हजारों सालों से शिकार करते आए हैं। ये इस काम में माहिर हैं। ये चालाकी और अक्लमंदी के साथ शिकार करते हैं। ये किसी भी इलाके में घंटों तक दौड़ सकते हैं, नर्म बर्फ पर भी। इनके पंजे चौड़े और नरम होते हैं, वो बर्फ के जूतों की तरह काम करते हैं, और ये अपने शिकार से ज्यादा तेज दौड़ पाते हैं जिनके हूफ हैं, खास तौर पर बर्फ में। लेकिन इनकी असली ताकत है इनका तालमेल। साथ मिलकर ये नॉर्थ अमेरिका के तकरीबन सभी जानवरों का शिकार कर सकते हैं। कई दिनों से वुल्फ्स का ये परिवार एल्क्स के एक झुंड का पीछा कर रहा है। इनकी तकनीक सीधी सी है, किसी एक जानवर को डराकर नर्म बर्फ में ले आओ और उस पर टूट पड़ो। एक बड़ा और ताकतवर नर उन्हें झुंड से दूर ले जाने के लिए अलग निकल कर दौड़ने लगता है। अब उसकी अपनी जान खतरे में है। लेकिन वो बेहद ताकतवर है और कुछ अनोखी चालें भी जानता है।
वो तेजी से नदी की तरफ भागता है। वोल्व्स आगे नहीं बढ़ते, वो जानते हैं कि पानी कितना ठंडा है। वोल्व्स लौटकर आसान शिकार ढूंढने लगते हैं। इनके लिए बच्चों, बीमार और घायल जानवरों का शिकार करना ज्यादा आसान होता है। कमजोर जानवरों के मरने से एल्क्स का झुंड ताकतवर बनता है। शिकार का पीछा करना आसान काम नहीं होता। वोल्व्स को इसके लिए लंबा सफर करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें आजादी से शिकार करने को मिले तो वो एल्क्स के झुंड और उनके पर्यावरण को और बेहतर बनाते हैं। साउथ अफ्रीका में सूरज डूबते वक्त समंदर के पास बेहद शांत नजारा दिखता है, लेकिन यहां किनारे से थोड़ी ही दूर पर बेहद जबरदस्त दावत चल रही है। भूखे पक्षी भालों की तरह समंदर में गोता लगा रहे हैं। समुद्री शिकारी भी यहां पहुंच गए हैं। पानी के अंदर इस मास अटैक की वजह दिख रही है। समंदर में सफर करती लाखों करोड़ों सार्डीन्स। उत्तर की तरफ न्यूट्रिएंट से भरा हुआ ठंडा पानी बह रहा है जो गहरे समंदर से खाना ऊपर ला रहा है, लेकिन ये खतरनाक जाल भी है। इस ठंडे पानी का पीछा करते हुए सार्डीन्स किनारे के पास पहुंच जाती हैं और उनके विशाल झुंड शिकारियों को यहां खींच लाते हैं। अब उन्हें इस तेज तर्रार हमले से बचना होगा। खुद को बचाने के लिए उनका झुंड अलग अलग आकार लेने लगता है। पानी में तैरते हुए वो खूबसूरत आकार बनाती हैं, जैसे विशाल छल्ले, लहराती चादरें और घुमावदार आकार जो बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर बनते हैं। लेकिन उनके पीछे यहां समंदर की सबसे माहिर तालमेल से काम करने वाली शिकारी आ गई है, सेलफिश। वो समंदर की सबसे तेज मछलियों में से एक है।
साथ मिलकर ये सार्डीन्स एक छोटे झुंड को अलग करके अपनी सेल से उनका रास्ता रोककर एक गोला बना देते हैं। वो अपने शरीर पर मौजूद चमकदार धब्बों और धारियों से शायद शिकार का ध्यान बटाती हैं और दूसरी सेल फिशेस को इशारा करती हैं। हमले का तरीका सीधा सा है। ये सार्डीन्स के झुंड में तेजी से एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ से निकलती हैं, लेकिन ये तरीका काफी कारगर होता है। इस तरह झुंड में से गुजरते हुए वो किसी न किसी मछली को घायल कर ही देती हैं। फिर वो वापस आकर उस घायल सार्डीन को आसानी से पकड़ लेती है। लेकिन भले ही सेलफिश बहुत तेज है, लेकिन वो यहाँ सबसे तेज हमलावर नहीं है। केप गैनेट्स सैकड़ों की तादाद में समंदर में तेजी से औंधे मुंह गोता लगाते हैं, एवियन मिसाइल्स की तरह। इन जबरदस्त और ताकतवर पक्षियों के पंख पूरे 2 मीटर तक फैल सकते हैं। हर एक पक्षी 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की बेहद तेज रफ्तार से पानी की तरफ टूट पड़ता है, जरा भी धीमा नहीं होता। टकराने से पहले अपने पंखों को समेटकर वो तीर जैसे बन जाते हैं और 10 मीटर तक गोता लगाते हैं। कोई भी आम पक्षी पानी में ऐसा करतब नहीं कर सकता। गैनेट्स के सिर के अंदर के एयरबैग्स टक्कर का झटका सहते हैं, साथ ही इनकी खोपड़ी ज्यादा मजबूत, गर्दन में खास मसल्स और लंबी नुकीली चोंच के पीछे एक बोन प्लेट होती है। पानी के अंदर ये बेहद फुर्ती से अपने पंखों और परों की मदद से सार्डीन्स का पीछा करते हैं। ये पक्षी बाहर आने से पहले ही शिकार को खा लेते हैं और फिर दूसरे हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। भरपेट सार्डीन्स खाने के बाद ये गैनेट्स ऊंचाई पर मौजूद अपनी विशाल ब्रीडिंग कॉलोनी में वापस आ जाते हैं। हो सकता है कि इतने बड़े झुंड में मिलकर रहने की वजह से ही ये अपने शिकार को कहीं भी ढूंढ लेते हैं। ये याददाश्त से काम नहीं करते। छोटे पक्षी ज्यादा तजुर्बे वाले बड़े पक्षी के साथ रहकर उन जगहों को पहचानते हैं जहां शिकार मिलते हैं। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपने बच्चों को सार्डीन्स का राज बताते हैं। अफ्रीकन सवाना में माइग्रेट करते विशाल झुंडों और उनके शिकारियों की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। सेरेंगेटी में अभी सूखा पड़ा हुआ है, जल्दी ही यहाँ जानवर ज्यादा और खाना कम होगा। बेचैन, भूख से परेशान,
और बारिश का इंतजार करते ये विशाल झुंड नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ 10 लाख से भी ज्यादा विल्डर बीस्ट का ये बेहद विशाल झुंड इन मैदानों से होते हुए साथ में सफर कर रहा है। दूसरे कई शाकाहारी जानवर हजारों की तादाद में इनके साथ हो लेते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी माइग्रेशन होता है। इस सफर की ना कोई शुरुआत होती है और ना ही कोई अंत। ये जानवर बरसात की तलाश में तंजानिया और कीनिया के सवानास से गुजरते हैं और एक गोल रास्ते पर सफर करते रहते हैं। और साल के इस वक्त ये मासाई मारा रिजर्व के विशाल घास के मैदानों की तरफ जा रहे हैं जहां बरसाती बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये इनके कभी न खत्म होने वाले सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। ये अब भूखे और प्यासे हैं। और सूरज डूबने के वक्त तक ये मारा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। ये विल्डबीस्ट घबरा रहे हैं। हर साल हजारों की तादाद में ये नदी पार करते हुए मारे जाते हैं। मारा नदी में मगरमच्छ रहते हैं। इनके ठीक नीचे दर्जन भर मगरमच्छ इस नदी में तैर रहे हैं। एक एडल्ट लगभग 4 मीटर लंबा होता है। इनकी बाइट फोर्स दुनिया में सबसे ताकतवर होती है। ये विल्ड बीस्ट के नदी पार करने का इंतजार कर रहे हैं। भले ही ये खतरनाक हैं, लेकिन इन जानवरों को आगे तो बढ़ना ही होगा। ये डर के मारे जम गए हैं, लेकिन आखिरकार ये हिम्मत बांधकर आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवर नीचे कूद पड़ते हैं। विल्डबीस्ट भारी तादाद में तेज रफ्तार से मटमैले पानी को पार करने लगते हैं। ये भारी हलचल और तेजी ही उन्हें बचा सकती है। जल्दबाजी घबराहट में बदल जाती है और तेज बहाव की वजह से वो आपस में टकराने लगते हैं। और तभी इन विशाल मगरमच्छों को मौका मिलता है।
नदी में कई वाइल्डबीस्ट मारे जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जानवर यहां मौत का सामना करके जिंदा बच जाते हैं। लाखों वाइल्डबीस्ट अपनी जान बचाकर पार निकल जाते हैं और खड़े चट्टानी किनारों से ऊपर चढ़ने लगते हैं। मारा नदी के आगे के हिस्सों में कई जानवरों की लाशों के ढेर लगे हैं जो नदी पार करने में नाकाम रहे हैं। सैकड़ों को मगरमच्छों ने अपना शिकार बना लिया और हजारों नदी के तेज बहाव में बहकर मारे गए। लेकिन आखिर में जाकर ढेर सारे जिंदा बचे जानवर मसाय मारा में चारों तरफ फैल जाते हैं। लंबा सफर करके आए इन जानवरों को इनाम में ताजा हरी घास मिलती है। थोड़े वक्त के लिए ये खाकर आराम कर सकते हैं। कैरिबू भी मौसम बदलने पर माइग्रेट करते हैं, लेकिन उत्तरी अलास्का के पोर्क्यूपाइन कैरिबू मौसम बदलने पर सबसे अनोखा सफर करते हैं। सर्दियों में इनके फीडिंग ग्राउंड से लेकर आर्कटिक टंड्रा में इनके कैल्विंग ग्राउंड्स तक ये दुनिया का सबसे लंबा लैंड माइग्रेशन करते दिखाई देते हैं। तकरीबन 2 लाख जानवरों का ये झुंड देखने में बड़ा जबरदस्त लगता है। ये उसी रास्ते पर सफर कर रहे हैं जिस पर इनके पूर्वज चलते आए हैं। और आखिर में ये मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लगता है जैसे इन थके हुए जानवरों का स्वागत करने के लिए यहाँ बर्फ पिघलने के साथ ही ढेर सारे बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगे पौधे उग जाते हैं। इन शानदार मैदानों में बछड़े को दूध पिलाती माँ को पौष्टिक घास और पौधे खाने को मिलते हैं। एक दिन में ही नवजात बछड़े किसी ओलंपिक के खिलाड़ी से ज्यादा तेज दौड़ने लगते हैं। फिर भी इनकी जिंदगी बहुत छोटी हो सकती है। कैरिबू के हजारों बछड़ों में से लगभग आधे बछड़े पैदा होने के बाद 8 दिनों में ही मारे जाते हैं। और यहाँ इतने सारे बछड़े हैं तो आर्कटिक वुल्व्स के लिए शिकार करना आसान हो जाता है। वो साथ मिलकर एक बछड़े को उसकी माँ से अलग करते हैं। अकेला पड़कर बेतहाशा भागता बछड़ा चाहे जहां भी जाए जिंदा नहीं बच पाता। वो कुछ पलों में ही मारा जाता है।
शेरों को जंगल का राजा माना जाता है, लेकिन अफ्रीकन सवानास में मिलकर शिकार करने में सबसे माहिर होते हैं हाइनास। इनके झुंड में 80 जानवर तक हो सकते हैं, तो हाइनास जितने बड़े झुंड और किसी मांसाहारी जानवर के नहीं होते। सवाना के चोरों के नाम से मशहूर ये जानवर अक्सर दूसरों का खाना छीनने की फिराक में रहते हैं। लेकिन हाइनास बेहद माहिर शिकारी भी होते हैं। ये सख्त उसूलों के मुताबिक मिलकर काम करते हैं, इसलिए ज़ेब्रा से लेकर वाइल्डबीस्ट तक किसी भी जानवर को मार सकते हैं। लेकिन छोटे होने की वजह से ये एक झटके में शिकार की जान नहीं ले पाते, और अक्सर उसे जिंदा ही खाते हैं। और इसीलिए इनकी हंसी जैसी आवाज सुनकर कोई भी जानवर डर के मारे कांपने लगता है। ऑस्ट्रेलिया में साल भर सूखा मौसम रहता है, लेकिन फिर बारिश जोरदार होती है, और बारिश होने के बाद पक्षी तेजी से बच्चे पैदा करने लगते हैं। पेड़ों के हर खोखले छेद में कोई परिवार पलने लगता है। बजरी गार्ड्स की तादाद बारिश के बाद तेजी से बढ़ती है। ये छोटे से पैराकीट्स इस रेगिस्तान के सबसे मशहूर बंजारे होते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में साथ रहने वाले पक्षी भी। सूखे मौसम की वजह से सूखे पेड़ों पर इतने बजरी गार्ड्स बैठ जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन पर फिर से नए पत्ते आ गए हैं। जब बारिश में जमा पानी कम होता है तो जमीन पर बहुत घास उगती है और बीज दिखते हैं, और इन पक्षियों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए काफी खाना मिलता है। लेकिन बजीज का अच्छा वक्त आने पर दूसरे जीवों का भी फायदा होता है। इस सूखे रेगिस्तानी इलाके में पानी की भारी कमी होती है, और जब पानी के तालाब सूखने लगते हैं तब शिकारी पक्षियों के लिए वहां शिकार करना आसान होता है। बजरी गार्ड्स घूमते और लहराते हुए हरे और सुनहरे रंग के खूबसूरत आकार बनाते हैं, लेकिन इनकी ये शानदार तकनीक सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं है, खुद की हिफाजत करने का तरीका है। बजरी गार्ड्स पानी पर उतरते हैं तब भी जब रैप्टर्स ऊपर उड़ रहे हों। वो सिर्फ कुछ पलों में पानी पी लेते हैं,
मगर उतनी देर में ही रैप्टर्स ऊपर से धावा बोल देते हैं। इन पक्षियों को पकड़ने के लिए सिर्फ तेज रफ्तार काफी नहीं है। रैप्टर्स की नजर तेज, पंजे बड़े और उनमें हवाई फुर्ती होती है। बजरी गार्ड्स को न सिर्फ रैप्टर्स के पंजों से बचना है बल्कि इस तरह उड़ते वक्त एक दूसरे से टकराने से भी बचना है। उनका तरीका एकदम सीधा सा है, अलग अलग ऊंचाई पर उड़ो और हमेशा दाएं तरफ ही मुड़ो। लेकिन आखिरकार रैप्टर्स की मेहनत रंग लाती है। इस तरह शिकार और शिकारी का ये चक्र चलता रहता है। शिकारियों की जिंदगी पतली डोर से बंधी होती है क्योंकि उन्हें ढेर सारे जीवों से मुकाबला करना होता है जो बच निकलने में माहिर होते हैं। जिंदा रहने का मुकाबला बहुत कड़ा होता है, मगर कुदरत में मौत से भी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ऑस्ट्रेलिया से उत्तर की तरफ के इस समुद्र में ये ग्रीन टर्टल खास मकसद से आगे बढ़ रही है। ऐसा लगता है जैसे सभी टर्टल्स को एक ही पैगाम मिला है, इसलिए वो सब ग्रेट बैरियर रीफ के पास मौजूद रॉयन आइलैंड पर जा रहे हैं। यहाँ दुनिया में सबसे भारी तादाद में टर्टल्स जमा हो रहे हैं। 5 साल तक समंदर में अकेले रहने के बाद ये टर्टल्स पैसिफिक समुद्र के अलग अलग हिस्सों से उस किनारे पर जा रहे हैं जहाँ वो पैदा हुए थे। ऐसे हजार टर्टल्स में से सिर्फ एक बड़े होने तक जिंदा रह पाता है, लेकिन फिर भी ये एवोल्यूशन में इतने कामयाब हो गए हैं कि हजारों टर्टल्स पानी में से किनारे पर आने का इंतजार कर रहे हैं। इनकी इस कामयाबी के लिए यहाँ पर आना जरूरी है। जल्द ही इनके बच्चों को भारी मुसीबतों का सामना करके जिंदा रहना होगा। सभी माएं एक ही वक्त पर अंडे देकर उन्हें जिंदा बचने का ज्यादा से ज्यादा मौका देती हैं। हर शाम 5,000 से ज्यादा मादाएं इस द्वीप के किनारे पर आती हैं। वो रात भर यहाँ गड्ढे खोदती हैं। वो ऐसी जगह चुनती हैं जहां तक टाइड ना आए, लेकिन जो समंदर के सबसे ज्यादा करीब हो। और अपने पीछे के फ्लिपर्स से अंडे देने के लिए एक गड्ढा बनाती हैं। और वहां 100 से ज्यादा अंडे देती हैं। वो इस मौसम में कई बार किनारे पर वापस आएंगी और हर बार यही काम करेंगी, लेकिन ये काम पूरा होने के बाद वो अपने बच्चों को छोड़कर समंदर में वापस लौट जाएंगी।
हर गड्ढे में 100 अंडे और यहाँ ऐसे हजारों गड्ढे होते हैं। एक महीने बाद इस तट पर ग्रीन टर्टल्स की अगली पीढ़ी के बच्चे दिखने लगते हैं और समंदर में जाने के लिए सबसे सही वक्त रात का होता है, जब अंधेरा होता है। वो सफेद झाग बनाती लहरों की तरफ भागते हैं और चुपके से पानी में चले जाते हैं, तब जबकि उनके शिकारी सो रहे होते हैं। लेकिन कई बच्चे सही वक्त पर बाहर नहीं आते। वो सुबह होने पर गड्ढों से निकलते हैं बीस मीटर दूर ही समंदर है और वो बिना वक्त गवाए वहां जाने लगते हैं। लेकिन उनकी भारी तादाद की वजह से कई जीवों को खबर हो गई है। हेरन्स और टर्न्स आ गए हैं। एक एक करके सभी बच्चों को रेत से उठा लिया जाता है। कई पानी तक पहुंच जाते हैं लेकिन वहां भी वो जरा भी महफूज नहीं होते। यहां कत्ले आम हो रहा है। लेकिन इन मुसीबतों के बावजूद एक छोटा टर्टल पक्षियों, केकड़ों और शार्क्स के पार निकल जाएगा और फिर खुले समंदर में पहुंच जाएगा। कई सालों तक वो ऐसी ही बहुत सारी जिंदगी और मौत की जंग लड़ेगा। लेकिन अगर किस्मत ने उसका साथ दिया तो एक दिन वो बड़ा होकर रेन आइलैंड पर लौटेगा और एवोल्यूशन की इस कहानी को आगे बढ़ाएगा जो 20 करोड़ सालों से जारी है।